भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज वह माता पिता व अपनी बहन के साथ वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने दो वैक्सीन बनाई है। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायकों और मंत्रियों समेत सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर राजनीति होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन वर्ल्ड वैक्सीन है। सुनिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आखिर क्या कुछ कहा। धनखड़ जी, आज वैक्सीनेशन आपने करवाया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज सारे परिवार में माताजी पिताजी के साथ और धर्म पत्नी और बहन के साथ यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर आया हूँ। हमने पांचों लोगों ने अभी वैक्सीन ली है और चार हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन के लिए यहाँ चिकित्सकों ने आग्रह किया है। बहुत ही आराम से वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने भारत में दो दो वैक्सीन विकसित की, भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का, कि 35,000 करोड़ रुपये इस वैक्सीन के लिए आवंटित किया। इसको दुनिया की वैक्सीन, वर्ल्ड वैक्सीन कहा जा रहा है अमेरिका तक में, और हमारे पड़ोसी देशों से लेकर दूर दराज के छोटे छोटे देशों तक हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। दो कारणों से इसको विश्व वैक्सीन कहा गया। एक तो इसकी सस्ती है हमारी वैक्सीन दुनिया के और देशों से, दूसरा इसकी टेम्परेचर की रेंज भी, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं तो हाई टेम्परेचर लो वगैरह चाहिए, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जो बनी है, तो इसकी ख्याति बहुत बढ़ी है। और मुझे एक पल ने बहुत भावुक किया, जब ब्राजील हमारी वैक्सीन पहुंची तो वहां के राष्ट्रपति ने हनुमान जी का चित्र लगाकर संजीवनी बूटी लाते हुए का ट्वीट किया, थैंक यू भारत, थैंक यू इंडिया इस वैक्सीनेशन के लिए। तो बहुत ही ऐसे गौरव के पल हैं हर भारतीय के लिए कि हम केवल अपनी नहीं, जैसा हमारा मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस नाते से विश्व की चिंता भी कर रहे हैं। एक धनखड़ साहब, लोगों में कहीं ना कहीं डर है, तरह तरह की भ्रांतियां जो है वो फैलाई जा रही है, क्या कहेंगे आपके, जिस तरीके से आपने आज वैक्सीन लगवाई है? इसमें कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें भी शुरू में जब वैक्सीन आया तो लोगों ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और बहुत ही ऐसी चीजें कही गई जो नहीं कही जानी चाहिए थी। और भारत की वैक्सीन का विश्वास अब पूरी दुनिया में हो रहा है, करोड़ों लोगों तक लग चुकी है, सब लोग सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग, हमारे प्रमुख लोग सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं, मंत्री, विधायक, पार्टी के बड़े नेता और पार्टी के कैडर को मैं अपील करूंगा कि हर बुजुर्ग को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं और उनको वैक्सीन लगवाएं, इससे ये सामाजिक धर्म अपना वो निभाएं। आपके पिताजी ने भी, माताजी ने भी, बहन जी ने भी लगवाई है, आपकी धर्मपत्नी ने भी लगवाई, तो उनका क्या कुछ कहना था, किसी तरीके का डर था उनके? नहीं नहीं, बहुत आराम से, मेरे माता जी पिताजी दोनों वैद्य हैं तो उनको औषधि विज्ञान से पूरा परिचय है और बड़े चाव के साथ उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। और बाकी परिवार के परिजनों ने भी, मेरी धर्मपत्नी और बहन ने भी बहुत ही उससे वैक्सीन, एक छोटी सी 1 ml की वायल है तो पता भी नहीं लगता कब आपको लगा दी गई है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चिंतित होने की किसी को जरूरत नहीं है। ये तो सुरक्षा के लिए है, हमको सुरक्षित करती है, सजग होकर सब वैक्सीन लगवाए, ये निवेदन मैं आपको करना चाहता हूँ। एक धनखड़ साहब, हो सकता है इस वजह से भी लोग इतने ज्यादा जागरूक ना हुए क्योंकि कई विधायक आपकी ही पार्टी के हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया है, क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मैं निवेदन करूंगा कि सब वैक्सीनेशन कराएं। जी, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।